बार ऐसे पेपर को मोड़ सकते हैं आप लोग? मोड़ सकते हैं ऐसे? जैसे आप लोग एक बार पेपर को मोड़ोगे, इसका एक मॉडल बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं कबूतर। क्या बोलते हैं? कबूतर। तो पहली कबूतर की स्टूडेंट्स होती है चोंच। क्या होती है? चोंच। कबूतर की पहली हो क्या होती है स्टूडेंट्स? चोंच। चोंच के बाद होता है सिर। क्या होता है? सिर। एक सिर वाला हिस्सा आपको गोलाई की तरह ऐसे काटा जाएगा। देखिए गोलाई की तरह काटा जाएगा। और उसके बाद कबूतर के होते हैं उड़ने वाले पंख। पंख वाला हिस्सा एक ऊपर की ओर गोलाई की तरह ऐसे काटता है। कैसे? ऊपर की ओर गोलाई की तरह। इसके बाद आपको एक पंख वाला हिस्सा ऐसे राउंड कट में काटना है, तो ये कबूतर का पंख वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है एक पूंछ वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पूंछ वाला। पूंछ वाला नहीं, पूंछ वाला। पूंछ वाला, पूंछ वाला हिस्सा ऐसे आपको तैयार करना है, तो पूंछ वाला हिस्सा भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको बनाने कबूतर के चलने वाले पैर। ऐसे कबूतर के चलने वाले पैर, ये कबूतर के चलने वाले पैर भी बन जाएगा ऐसे देखिए। और इसके बाद बनाना है बॉडी का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? बॉडी का हिस्सा। बॉडी का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा ऐसे काट कर लिखे गोलाई की तरह ऐसे, एक बॉडी का हिस्सा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद कबूतर का एक चोंच का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? चोंच का हिस्सा। ये जगह आप लोग काटोगे तो आपके सामने ये वन कबूतर बातों बातों में रेडी और ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज वन कबूतर ऐसे, एक कबूतर से जगह आप लोग खोलोगे तो दो कबूतर आपके सामने बन जाएंगे। कितने कबूतर? दो। और इसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरा है। क्या देखेंगे? तीसरा।